इंसानों की कोशिश होती है कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले और उनके लिए बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, जगह जगह उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं, अगर वो बीमार हो जाएं, अगर उनके चोटें आ जाएं, तो फिर उनके लिए क्या हो। तो इसी तरह की कोशिश गौ सेवा धाम होडल पलवल में की जा रही है ताकि जो बेसहारा जानवर हैं, जो परेशान हैं, उनको भी बेहतर से बेहतर इलाज और जो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से भी उनको इलाज मिले, और इसी तरह की कोशिश यहां पर लगातार चल रही है। गौ सेवा धाम की अगर बात की जाए तो नाम गौ सेवा धाम है, लेकिन इस अस्पताल में सिर्फ गायों का ही नहीं, जो और दूसरे जानवर हैं, चाहे वो बंदर हों, कुत्ते हों, बकरी हैं, भेड़ हैं, हिरण हैं, अगर वो भी किसी वजह से घायल होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गायों की स्थिति कुछ बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में है। तो ये एकदम से यहाँ पर कह सकते हैं ये वार्ड है, जैसे इंसानों के लिए जनरल वार्ड, तो ये एक वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, और यहाँ पर दवाई देने के बाद इनके सबके कान पर एक कुछ स्टिकर वगैरह जो इनकी पहचान को बताता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सरे मशीन है, और यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनका एक्सरे किया जाता है, अगर उनका ऑपरेशन होता है या किसी के कोई पैर टूट जाए या कुछ भी है। इसके अलावा फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बंदर है, ये एक यहाँ पर है, इसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ये बहुत बीमार आया था, और राहुल जी बता रहे थे कि अब तो कम से कम थोड़ा ठीक हुआ। अभी लगभग ये 4 दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले के मुकाबले अगर इसकी तबीयत आज की कंडीशन देखी जाए तो पहले से लगभग ये 50% रिकवर कर चुका है, और जैसे मेरे डॉक्टरों से बात हुई है उन्होंने यही बोला है कि अब ये लगभग ठीक हो जाएगा। और ये सिर्फ एक ही बंदर नहीं है, ऐसे सैकड़ों बंदरों और एनिमल्स का हमने लगभग जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो इसमें अगर बात करी जाए बंदर है या कुत्ते हैं और पक्षियों में मोर है और भी बहुत ऐसे हैं, तो सैकड़ों का हमने इलाज किया है, और अभी भी जो 400 गौवंश का इलाज यहाँ पर चल रहा है, 400 गौवंश का इलाज यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा अब एक चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी कि गाय पॉलीथिन, जब उनके ऑपरेशन होते हैं तो इनके सामने तो सारी चीज़ें आती हैं, पॉलीथिन वो खाती हैं, 50-50 किलो, 40-40 किलो उनके पेट से पॉलीथिन निकलते हैं। ये यहाँ पर जो एक्सरे मशीन है, तो यहाँ पर पूरा मॉनिटर करने के लिए ये मशीनें हैं, जो एक्सरे वगैरह किए जाते हैं या उससे पहले उनकी जाँचें की जाती हैं, यूरिन टेस्ट है या और भी तरह तरह के टेस्ट हैं, उसके लिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्या आप सुखपाल से कहूँगा कि ये तमाम जो आप देख रहे हैं कैंसर्स के, ये सारे जो इम्कान होते हैं कि किस तरह के कैंसर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जब गायों के अंदर से या जो भी पशु थे उनके अंदर से निकाले जाते हैं, यहाँ पर उनको इन्होंने शो करने के लिए रखा हुआ है। राहुल जी, किस तरह के जानवर आते हैं अक्सर, और एक चीज़ हम बात कर रहे थे कि जब ऑपरेशन होते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आप भी अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल, मोस्टली अगर बात करी जाए तो ये उस तरह के मेटल होते हैं जो डेली हम घर में यूज करते हैं, जो घर में महिलाएं यूज करती हैं। तो अभी आपने देखा होगा, मैं दिखा भी दूंगा आपको, कि उस तरह के मेटल, इट मींस चूड़ी, छल्ले, कॉइन्स, पेप्सी के ढक्कन, तो ये सब वो चीज़ें होती हैं जो डेली यूज में आप घर में यूज करते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं गृहिणी ये सब यूज करती हैं। वो क्या है, पॉलीथीन में जब पूरा घर का कूड़ा कचरा साफ करती हैं तो ये सब फेंक देती हैं। आप देख सकते हैं सेफ्टी पिन, कॉइन्स, ये सब ज़्यादातर वो है जो घर में यूज होता है, और ये सब पेट से निकलता है। हाँ जी, ये सब भूख की हालत में वो पॉलीथीन खा लेती हैं, और फिर गाय को, किसान है या गौपालक है, जो भी है, गाय है तो हम सबकी ही, लोग क्या करते हैं जब तक दूध दे रही है अपनी है, दूध देना बंद कर दिया, छोड़ देते हैं। उस हालत में गाय क्या है, भूखी रहती है, वो तड़फती है, चाहे उसको पेप्सी मिले, सॉरी पन्नी मिले, पॉलीथीन कुछ भी मिलता है, वो उसी को खा लेती है। पॉलीथीन के अंदर ये सब मेटल जो होता है उसको नहीं पता कि वो उसको कितना हार्म करेगा, कितना नुकसान पहुँचाएगा। एक चीज़ आपने यहाँ पर महसूस की कि देखिए, गौ सेवा की बातें सभी लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने देखा अस्पताल है बाकायदा, और सिर्फ गायों की नहीं, जो भी इनके पास जानवर आते हैं बीमार या घायल अवस्था में, उसका बाकायदा इलाज किया जाता है। लेकिन जिन चीज़ों को आपने हमेशा सुना होगा कि गाय के पेट से पॉलीथिन्स निकल रही हैं, इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, वो यहाँ पर सही साबित होता है, और उसकी वजह भी बताई उन्होंने कि जब तक दूध गाय देती है तब तक हमारी, उसके बाद लोग उसको बेसहारा छोड़ देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से गौ सेवा धाम में बेहतर तरीके से जानवरों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। छोटे छोटे ये हिरण आए थे यहाँ पर, और आज देख सकते हैं कि ये कितने जवान और ताकतवर हो गए हैं। इसके अलावा खरगोश हैं, गायों का आपने देखा कि कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पर आती हैं, उनका ऑपरेशन किया जाता है और उनके पेट से न जाने क्या क्या निकलता है, पॉलीथिन्स निकलती हैं, 50-50, 40-40 किलो,
पतंग वाला माजा निकलता है, बताया था उन्होंने कि पेट की आंतें उससे कट गई थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ गायों के नाम पर बात न की जाए, हकीकत में उनकी सेवा करने के जब दावे किए जाते हैं तो हकीकत में की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं इनसे, तो उनका भी ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ ये है कि गौ सेवा धाम में बेहतर तरीके से इन बेजुबान जानवरों का इलाज चल रहा है, तो उनकी आवाज़ को महसूस किया जाए, जो और दूसरे लोग हैं जो गायों के लिए या इन बेजुबान जानवरों के लिए काम करने के बातें और वादे करते हैं, तो वो हकीकत में उनके लिए काम करें, सिर्फ दिखावा न करें, क्योंकि दिखावा करने से इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने कैमरा पर्सन सुखपाल के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।